हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.6 का प्रश्न 1 से 5 तक प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 2.1 से 2.5 तक सभी वीडियोस बना दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर यहाँ आई बटन पर क्लिक करके या फिर इस वीडियो के लास्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 1 का सबसे पहले हल। तो प्रश्न क्या दिया है हमें कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है। तो इसमें हमें पहले प्रश्न में क्या दिया गया है कि 8x-3/3x = 2। तो इसमें हमें क्या करना है कि इसमें x का मान निकालना है। तो दोस्तों एक बात याद रखना है आपको कि इधर वाला जो पक्ष होता है उसको हम कहते हैं LHS और इधर वाला जो पक्ष होता है उसे कहते हैं RHS, यानी कि ये बायां पक्ष ये दायां पक्ष। तो हमें इसको हल करना है। तो देखिए ये 8x-3 सेम लिखेंगे और ये बराबर 2 है। ये जो 3x है इसके भाग में है ये, तो जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा गुणा में। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि 2 से 3x में गुणा, तो कितना आ जाएगा 2 * 3 = 6 और ये x, तो 6x आ गया। तो 8x-3 = 6x हो गया। तो देखिए अब क्या करेंगे कि ये 8x अब इधर 6x है, यानी x वाले पद को एक तरफ लेके आएंगे और संख्याओं को दूसरी तरफ। तो ये 8x-3 = 6x है, तो ये 8x इधर ये +6x है, तो इधर आएगा बराबर के, तो हो जाएगा -6x बराबर। इधर तो अब कुछ नहीं बचा, 0 बचा है, और इधर जो संख्या है -3 ये इधर जाएगा बराबर के, तो हो जाएगा +3, ठीक है। तो 8x में से अब 6x घटा दीजिए, कितना बचेगा 2x, 2x बराबर कितना है 3। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि x का मान निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 और 2 इसके साथ गुणा में है x के साथ, तो इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में। तो ये हो गया हमारा x का मान निकल गया, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए करते हैं अपना प्रश्न नंबर 2। तो देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया है समीकरण 9x/7-6x = 15। इसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 को किया है। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 9x को सेम लिखेंगे और ये 15 को भी। ये जो 9x के बटे में 7-6x है ये इधर जाएगा, तो हो जाएगा गुणा में। तो यहाँ हम ब्रैकेट लगा के और 7-6x लिख देंगे। यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा पद है, यानी दो पद है, 7 भी है और -6x भी है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब ब्रैकेट हटता है तो गुणा का निशान लगता है, तो इसलिए ये अब क्या हो जाएगा 15 से इन दोनों में गुणा। तो 9x = 15 को पहले 7 से गुणा करेंगे, तो 15 * 7 = 105, फिर ये माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 15 का अब 6 से गुणा, 15 * 6 = 90 और ये x, तो ये हमने कर दिया गुणा। अब देखिए ये 9x सेम, अब इधर से जो x वाला पद है इसको भी इधर लेके आएंगे बराबर के, तो ये -90x है, तो इधर आएगा तो हो जाएगा +90x, इधर क्या बच गया 105। तो अब देखिए 9x + 90x दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 99x = 105। तो x बराबर कितना हो जाएगा 105, ये 99 गुणा में है x के साथ, तो इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो ये हो गया भाग में। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को काट सकते हैं 3 के पहाड़े से, ये हो जाएगा 35 * 105 और ये हो जाएगा 33 * 99, मतलब कि x का मान कितना आ गया हमारा 35/33। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 2 का हल। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3 का हल। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है समीकरण z/z + 15 = 4/9। तो इसमें हमें z का मान निकालना है, तो क्या करेंगे हम सेम ऐसे ही करेंगे। जैसे देखिए ये z और ये z + 15 भाग में है, तो इसको इधर लेके जाएंगे, और ये इधर 9 भाग में है इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये गुणा में हो जाएंगे दोनों साइड बदलने पर। तो देखिए ये 9 इधर जाएगा भाग से, तो यहाँ हो जाएगा गुणा में, तो z का गुणा हो जाएगा 9 से। इसी तरह से ये भी, ये z + 15 इधर गुणा में जाएगा, तो ये 4 का गुणा हो जाएगा z + 15 से, तो ये हमने कर दिया। अब इनको गुणा कर देंगे, z को पहले 9 से गुणा, तो हो जाएगा 9z हो जाएगा बराबर। अब इसी तरह से इसमें भी 4 को पहले z से गुणा, तो 4z, फिर प्लस 4 को 15 से गुणा, तो ये हो जाएगा 60। तो अब देखिए z वालों को एक तरफ कर देंगे, तो ये 9z प्लस 4z है बराबर के इधर, तो इधर आएगा तो हो जाएगा -4z। अब इधर क्या बचा 60,
तो 9z में से अब 4z घटा दीजिए तो कितना बचेगा 5z बराबर 60। तो z कितना आ जाएगा 60/5। बटे में क्यों, क्योंकि इसके साथ गुणा में है। तो 5 × 5 12×5 60। तो z का मान कितना आ गया हमारा 12। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 का हल होता है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 4 का हल। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 में हमें समीकरण दिया गया है 3y + 4/2 − 6y = −2/5। तो ये हमें समीकरण दिया गया है। अब इसको हम हल करते हैं और y का मान निकाल लेते हैं। तो इसको भी हम सेम वैसे करेंगे जैसे हमने प्रश्न नंबर 3 में किया था। ये भाग में है इधर भेज देंगे तो हो जाएगा गुणा में, और ये 5 भाग में है इधर भेज देंगे तो हो जाएगा गुणा में। तो देखिए 5 को इधर लिखेंगे तो 5 का इस सब से गुणा हो जाएगा 3y + 4 से। इसी तरह से इधर भी ये -2 को ये सब से गुणा हो जाएगा यानी 2 − 6y। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, 5 को पहले 3y से गुणा तो कितना हो जाएगा ये 15y प्लस 5 को 4 से गुणा 20 बराबर -2 का 2 से गुणा तो माइनस प्लस माइनस तो −2 × 4। इसी तरह से ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 2 का 6 से गुणा 2 × 6 = 12 और ये y। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, देखिए ये 15y सेम लिखेंगे, yy को 160 लेके आएंगे तो ये प्लस का 12y इधर आएगा बराबर के तो हो जाएगा −12y बराबर, इधर क्या बच गया −4, और इस संख्या को प्लस 20 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा −20। तो यहाँ से अब 15y में से क्या करेंगे माइनस करेंगे 12y तो कितना बचेगा 3y बराबर, ये देखिए माइनस माइनस प्लस तो 20 और 4 = 24, और माइनस क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो 3y = 24 आ गया माइनस का, तो y बराबर कितना आ जाएगा −24/3। तो 3 × 3 = 3, 3×8 = 24 यानी a y का मान कितना आ गया हमारा −8। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न नंबर 5 का हल। तो देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5 में हमें क्या समीकरण दिया गया है, 7y + 4/y + 2 = −4/3। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी हम सेम वैसे ही करेंगे, ये भाग में है इधर भेज देंगे और ये 3 इधर भाग में है इसको इधर भेज देंगे तो ये 3 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा गुणा में इन सब से 7y + 4 से। ऐसे ही ये −4 गुणा हो जाएगा इन सब से y + 2 से। तो अब देखिए 3 का पहले 7y से गुणा तो 3 × 7 = 21y, फिर प्लस 3 × 4 = 12 बराबर माइनस प्लस माइनस तो 4 का y से गुणा 4y और माइनस प्लस माइनस तो 4 का 2 से गुणा 8। ठीक है, अब y वालों को एक साथ लेके आएंगे और संख्याओं को दूसरी साइड तो ये 21y, अब ये −4y इधर आएगा बराबर के तो हो जाएगा प्लस का 4y और इधर क्या बच गया −8 और ये +12 इधर आएगा तो हो जाएगा −12। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि जमा का निशान है तो 21y + 4y कितना हो जाएगा 25y बराबर माइनस माइनस प्लस तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है 12 और 12 के साथ माइनस का चिन्ह है। तो अब देखिए यहाँ पर y का मान निकाल लेंगे तो y बराबर −20 और ये 25 y के साथ गुणा में तो इधर आके हो जाएगा भाग में तो 5 × 25 और 5 × 4 = 20। तो y का मान कितना आ गया दोस्तों हमारा −4/5। तो ये हो जाता है हमारा y का मान। तो आई होप आपको पांचों प्रश्नों के हल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो प्रश्न समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, और चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।